मुझे गंदी वाली स्मेल आती है। हेलो नमस्ते, आज के वीडियो में फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज का आपका दिन बहुत अच्छे से जाए और बापा आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दे। मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी मैं करने वाली हूँ पैकिंग। कल मुझे जाना है अमरावती, तो बहुत दिनों से जाना था एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे शिफ्टिंग हो गई। अदरवाइज़ मई महीने में जाना होता है क्योंकि बच्चों की छुट्टी होती है, मतलब रियांश की छुट्टी होती है, तो मैं भी मई महीने में ही जाती हूँ। लेकिन इस बार ये शिफ्टिंग की वजह से, और फिर शिफ्टिंग की तो तुरंत मैं जा भी नहीं पा रही थी क्योंकि घर को भी थोड़ा सा करना था अच्छे से। तो अभी हो गए हैं 15 दिन यहाँ पे आके, और अभी 15 दिन ही बचे हैं मई महीने के। तो अभी मैं जाऊँगी थोड़ा सा मम्मी के यहाँ, वहाँ पर थोड़ा सा आराम ही बोलेंगे। अभी मम्मी के यहाँ जाना मतलब कोई टेंशन नहीं, ना काम का टेंशन, ना कुछ लाने का टेंशन, ना सब्जी लानी है, ना रोटी बनानी है, ना रात को सब्जी कौन सी बनाऊँ ये सोचना है। सबसे बड़ा टेंशन ये होता है हम लेडीज़ के लिए, तो ये कोई टेंशन नहीं है। तो अभी बैग पैक करते हैं, कल मुझे जाना है और अभी तक मैंने कुछ भी पैकिंग नहीं की है। वैसे मम्मी के घर जाना रहता है तो ज़्यादा पैकिंग करनी नहीं पड़ती, और अभी कोई किसी की शादी वगैरह नहीं है या कुछ भी फंक्शन या कुछ भी नहीं है, तो उसके हिसाब से मुझे कपड़े नहीं लेने हैं, बस घर में रहूँगी। वैसे भी धूप है अमरावती में, बहुत ज़्यादा धूप है, तो दिन भर तो घर में ही रहना है। तो डेली यूज़ वाले और दो चार बाहर जाने के लिए कपड़े रखने हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने एक साइड में निकाल रखा था, फिर भी कम कपड़े बोलते बोलते वो ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो पैकिंग करती हूँ, कल मुझे जाना है तो आज ही पैकिंग करके रखती हूँ ताकि कल फिर लेट ना हो और कोई चीज़ में भूलूँ नहीं। वैसे भूला भी तो टेंशन नहीं, मम्मी का घर है, सब मिल जाता है, और नई भी लेके गए तो वहाँ पे लेके जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने पास जो चीज़ें हैं वो मैं सारी भर के रखूँगी। तो चलिए फिर मैं बैग भरती हूँ, और बैग भरते भरते ही थोड़ी बहुत बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो लास्ट टाइम जब मैं अमरावती गई थी तो आप लोगों ने जो मेरे अमरावती के ब्लॉग्स थे उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तब मेरे भाई की शादी थी, तब मैंने शादी के और शॉपिंग के और मतलब आउटसाइडर ब्लॉग आपके साथ शेयर किए थे। लेकिन अभी पता नहीं, अभी मैं बोल रही हूँ कि धूप है तो मैक्सिमम टाइम घर पे ही रहने वाली हूँ, तो आई थिंक घर के ही ब्लॉग बनेंगे। लेकिन इस बार आपको सबसे मिलाऊँगी और थोड़े घर के ब्लॉग करेंगे, तो देखते हैं। अगर आपने लास्ट टाइम के मेरे अमरावती के ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। सबको पसंद आए थे तो आपको भी पसंद आएंगे, और इस बार भी मैं ट्राई करूँगी कि कुछ नया आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो ये सब मैं करने वाली हूँ, और 15 दिन ही रहना है, ज़्यादा दिन रहना नहीं है। तो उसके हिसाब से मैंने थोड़े बहुत कपड़े, थोड़ा स्किन केयर और बस यही सारी चीज़ें हैं, लेकिन बैग भर जाती है सामान। मैं सोचती हूँ हर बार कि मैं इस बार कम लेके जाऊँ, लेकिन सामान भरते भरते वो पूरा पैक हो ही जाता है। रियांश के कपड़े, घर के पहनने वाले कपड़े, बाहर के कपड़े, एक दिन में उसको 3-3 कपड़े लगते हैं, मतलब सोचो आप, बहुत सारे कपड़े तो रियांश के हो जाते हैं। और अमरावती से भी अगर मुझे कोई देखता है तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मैं अभी पैकिंग, जैसे कि मैंने बोला, मैंने साइड में कपड़े निकाल के रख दिए थे थोड़े थोड़े, जैसे कि मुझे समझ में आते हैं जैसे भी, और बस उसे मैंने बैग में भर दिया है। अभी अभी बाकी का कल देखते हैं। अभी हो गई है रात, अभी मैं जाऊँगी वॉक करने, और फिर से अभी के ब्लॉग को मैं यहीं पर छोड़ती हूँ, कल वापस से आपको फिर से मिलूँगी। काय क्योंकि ट्रेन की टिकट नहीं मिली है। क्यों बस में अच्छा नहीं लगता है? नहीं। क्यों तो बेटा, ट्रेन की टिकट, हमको ट्रेन का पता भी नहीं है इधर से कि कौन सी ट्रेन है। पता है लेकिन इतनी फिर जल्दी टिकट नहीं मिलती है उसकी, बहुत पहले करके रखना पड़ता है ट्रेन की टिकट। ठीक है, तू रहने देना, तू मत आना फिर। नहीं, मैं जाऊंगा।
पापा के साथ रुक जा। बता इधर आ। तू रुक जा ना पापा के साथ। नहीं। क्यों? नहीं। अरे पापा बहुत प्यार करेंगे जी, मेरा सोना अकेला है, मैं प्यार करता हूँ, है ना। जो तू बोलेगा, तू दिन भर टीवी देखना मस्त, पापा काम करेंगे और तू दिन भर टीवी देखते रहना। आंखें खराब रहेंगी। अरे देख लेना, कोई बात नहीं, तू देख सकता है अब। देख पापा दिन भर काम करेंगे, तू दिन भर टीवी देख लेना, हो सकता है ना ऐसे? हो सकता है। तो करेगा? मैं तेरे साथ ही रहूंगा। मेरे साथ ही आएगा? क्या करेगा फिर उधर जाके? उधर जाके मैं खेलूंगा बस। पासिंग द बॉल। वो तो इधर भी खेलता है ना। इन्हें नहीं खेल रहा हूँ बस। पासिंग द बॉल, लपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई बस। नहीं नहीं वो ग्लास वाला, उसमें कुछ लिखा होता है, उसको मारते हैं, फिर गिरता है, उसको जरूर खाना पड़ेगा। चल तैयारी हो गई है, बस अभी खाना खाएंगे, मतलब खाना बनाती हूँ, खाना खाते हैं, जाते हैं बनाती। तो ये जो केक की क्रीम बची हुई थी, जो मैंने अभी केक बनाया था बर्थडे के लिए, तो वो खानी है रियांश को। तो इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, और इसके अंदर अब डालूंगी मैं चॉकलेट। तो चॉकलेट तो है, चॉकलेट तो वाइट चॉकलेट है बेटा। चले यार, अभी मुझे लगा कि डार्क कंपाउंड है। नहीं चले आना, वाइट वाइट दिखेगा नहीं, डार्क कंपाउंड रहता तो अच्छे से दिखता। तो ये एक्चुअली मेल्ट करके डालनी थी, लेकिन अभी ऐसे ही डाल दी। मस्त है। कैसी है? चॉकलेट डालना था रे उस पे, लेकिन वो नहीं है। तो ऐसे थोड़ी सी क्रीम बची रहती है और ये कोन बचा रहता है, तो मैं कभी कभी देती हूँ, ऑलवेज नहीं, मतलब जब भी क्रीम बचती है तब नहीं देती हूँ, क्योंकि क्रीम भी उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन उसको खानी थी, थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो कोन भी है तो टूटी फ्रूटी, और अगर आप भी देते हो तो इस पे थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डालिए। अभी मेरे पास आपने देखा सिर्फ वाइट कंपाउंड बचा है, तो इसलिए मैंने डाला नहीं है, पर अच्छा लग रहा है ना। क्या वाइट कंपाउंड? तू पहले ये तो खा ले। डोंट नो, आज बहुत ही पता नहीं बोरिंग लग रहा है, मतलब आज से कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है। पता नहीं, अमरावती जाके लास्ट टाइम मैंने बोला था कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, पता नहीं, मैं घर में ही रहने वाली हूँ बस, क्योंकि दिन भर तो वैसे भी धूप रहने वाली है, दिन भर तो घर में ही रहना है। पता नहीं उसके बाद भी कुछ करूँगी क्या, क्योंकि अभी आज जाने का दिन है और अभी से ही मेरा आलस बाहर निकल रहा है। तो सुबह उठ के तो मैंने फटाफट कर लिया था, आज सुबह जल्दी भी उठ गई थी, फटाफट घर का काम, जो सुबह का पूजा नाश्ता सब मेरा फटाफट हो गया, जो बाकी की बची हुई पैकिंग थी वो भी मैंने कर ली, और अभी खाना बनाने को मुझे सच में इतना बिल्कुल भी बनाने की इच्छा नहीं है। और बची खुची थोड़ी सी सब्जियां है, फ्लावर, गोभी, बैंगन और भी है मेथी, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि बैंगन की सब्जी, आलू बैंगन की सब्जी और गोभी के पराठे बना दूँ, ताकि ये ख़त्म भी हो जाएंगे, क्योंकि अश्विन तो खाना बनाने से रहे, वो नहीं बनाएंगे खाना, ब्रेकफास्ट भले ही बना लेंगे लेकिन खाना बाहर से ही खा लेंगे। लेकिन अभी खाना बनाना है आज, कल से भी नहीं बनाऊँगी खाना, पता नहीं, देखते हैं, क्योंकि मम्मी का ही घर ऐसा होता है कि जहाँ पे खाना बनाने का टेंशन नहीं रहता है, नहीं तो अपने घर में तो सुबह का और रात का तो सबसे बड़ा टेंशन रहता है हर लेडीज़ के लिए, रात का क्या खाना बनाऊँ, कौन सी सब्जी बनाऊँ, वो कम से कम एक टेंशन नहीं रहेगा। थोड़ी बहुत हेल्प मैं कर दूँगी, लेकिन मैं खाना नहीं बनाऊँगी, प्लीज़ खाना बनाना ही पड़ेगा। ये देखो, नहीं बोलते बोलते 1, 2, 3 बैग हो गई है मेरी,
ये मैंने लेबल लगा दिया इस पे पावर हाउस, क्योंकि ये बैग मैं डिक्की में रखने वाली हूँ और ये मेरे पास रखूँगी दोनों, क्योंकि वो बहुत बड़ी बैग बन गई है। कम सामान करते करते देखा आपने, दो बैग भर गई है और एक मेरी नॉर्मल बैग जिसमें कम सामान रहेगा लेकिन वो भी है। तो जब अकेली, जब पहले अकेली जाती थी, रियांश नहीं था तब मैं अकेली जाती थी तभी भी, तो एक बस नॉर्मल पीठ पे बैग रहती थी और कुछ सामान नहीं रहता था। तो बाल पूरे बिखर गए हैं, हवा इतनी चल रही है। नॉर्मल जब पहले जाती थी, जब अकेली जाती थी, रियांश नहीं था तब, तब मेरी बस एक पीठ पे बैग रहती थी, कुछ भी सामान नहीं रहता था, बस थोड़ा सा सामान रहता था, अकेले जाओ एक पीठ पे बैग अटकाओ, तो इतना वो भी नहीं लगता है। लेकिन अभी दो दो बैग, रियांश जाने का भी टेंशन आता है कभी कभी, तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। यस, तो वही, इतना सब सामान लेके जाना है तो जाने को भी ऐसा टेंशन आता है और इतने इतना टाइम लगने वाला है। मुंबई से भी 12-13 घंटा लगते थे और पुणे से और ज़्यादा लगने वाले हैं। तो ट्रैवलिंग की वजह से भी जाऊँ कि नहीं जाऊँ ऐसा हो जाता है, लेकिन नहीं अभी जाके आऊँगी। तो चलिए फिर मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ, बाकी पूरी पैकिंग हो गई है, बस खाना खाएंगे, फिर टिफ़िन भी बनाना है। 5 बजे की मेरी बस है, बस से ही जाने वाले हैं क्योंकि टाइम पे हुआ सब। तो ट्रेन का टिकट पता नहीं तत्काल में मिल जाता, लेकिन हमने किया नहीं, पता भी नहीं, पुणे स्टेशन जाना पड़ता। तो खाना बना लेती हूँ और फिर डायरेक्ट फिर जाने के टाइम पर मिलूँगी आपको। आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा आलस लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि सो जाऊँ। तो जाने के, जब जाना रहता है कहीं पे भी, लॉन्ग ट्रैवल रहता है, तो मेरे साथ ऐसे ही होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? होता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो फाइनली अभी जाने का टाइम आ गया है और ज़्यादा दूर नहीं है ट्रैवल्स, तो हम लोग गाड़ी से ही जा रहे हैं अभी। तो आई होप जल्दी जल्दी से पहुँच जाए। अभी मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि सच में जाने के टाइम पर मुझे थोड़ा सा अजीब फील होता ही है। मस्ती तो नहीं करेगा ना, शांति से रात हो जाएगी तो सो। एक्साइटेड है, रियांश ऑलवेज एक्साइटेड रहता है कहीं जाना रहा तो। अभी हम बस में बैठ गए हैं, पता नहीं सुबह कितने बजे पहुँचेगी, 8 तो बजाएगी मिनिमम। और अभी 6:15 हो गया है, तो 6:15 से 8 मिनिमम 8 बजेगा। तो अभी बीच बीच में रुकेगी ट्रैवल्स, देखते हैं अभी कैसा है सफ़र। बहुत दिनों से ट्रैवल्स में नहीं, ट्रैवल्स में आए थे लास्ट टाइम हम, ठीक है यार, ट्रैवल्स ट्रेन का नहीं तो ट्रैवल्स का तो करना ही पड़ा। पता नहीं मुझे कैसा तो हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ट्रेन की ट्रैवलिंग मुझे सबसे ज़्यादा सेफ लगती है, सेफ और अच्छी भी, मतलब मुझे से नहीं लगता इसमें ट्रैवल में, ट्रैवल्स में ऐसे ही लगता है। क्यों 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 पता नहीं, सुना तो मुझे नहीं लगता ना, अच्छी बात है। मुझे तो बहुत मस्त, ये तो कितना बड़ा नाला, कहाँ है बोट वो देखिए। गंदी वाली स्मेल भी आती है, पेट में गुड़गुड़ भी करता है, इसलिए ट्रेन अच्छी लगती है। ट्रेन ट्रेन में स्मेल नहीं आती ना, ट्रेन में स्मेल भी नहीं आती है और तो पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ भी नहीं होता। तो मेरे पे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देख अंधेरा हो गया, अंधेरा नहीं हुआ है। चलिए अभी थोड़ा सा लेट जाती हूँ बस में बैठने के तुरंत बाद ही मुझे लेटना पड़ता है, क्योंकि पेट में गुड़गुड़ होता है ना, ऐसे ही जब तक अमरावती आएगी तब तक मैं ऐसे ही लेटी रहूँगी। अभी तो भी लेटेगा ना, थोड़ी देर घबराहट हो जाएगी तो सोने लग जाएगा। रात को सोना पड़ता है सबको, क्योंकि थोड़ी देर में तुम खाने खाने के लिए एक बस, तब हम बात करेंगे, ठीक है। अभी जब खाना खाने के लिए बस रुकेगी तब हम बात करेंगे, हम मतलब फ्रेंड्स के साथ।
खाने के लिए यहाँ पे बस रुकी हुई है और हमने तो खाना बस में ही खा लिया क्योंकि रियांश को लगी थी भूख और वॉशरूम वगैरह जाना रहता है तो टाइम कब पड़ता है, खाने के लिए भी टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, रियांश को भी टाइम लगता है, तो उसके हिसाब से फिर यहाँ पे होगा नहीं, इसलिए मैंने आराम से उसको बस में खिला दिया और मैंने भी खा लिया। तभी यहाँ पे खाएंगे नहीं, बस एक एक रोटी लिए हमने रियांश ने और मैंने, पानी की बॉटल वगैरह लिए, और अमरावती तक अभी कुछ भी खाना पीना नहीं है। राइट बराबर ना, पेट भरा हुआ है कि खाना है कुछ? पेट भरा हुआ है क्योंकि मैंने खिला दिया है रात भर, अभी सोना है, लेकिन सोना ही पड़ता है बेटा रात को, तो अभी सो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ हमारी ही बस खड़ी है और यहाँ पे अभी जिसको खाना खाना है वो खाना खाएंगे। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मुझे आप लोगों को बतानी थी, जब भी आप ट्रैवल्स में या बस में, ट्रेन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है लेकिन ट्रैवल्स में या बस में ट्रैवल करते हो और ऐसे खाने के लिए जब भी उतरते हो या गाड़ी रुकती है और आप उतरते हो, तो हमेशा ट्रैवल्स का जो नंबर होता है उसे ज़रूर एक बार देख लेना। मेरे बार ऐसे ही हुआ था मेरे साथ, मैं ट्रैवल्स में अकेली थी और तो ऐसे ही जब खाना खाने के लिए बस स्टॉप होती है तो वहाँ पे मैं उतरी, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी बस है। अभी तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि एक ही बस है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी बसेस थी, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी बसेस थी और मैं हो गई कंफ्यूज़ क्योंकि मैंने मेरे बस का नंबर नहीं देखा था और फिर मुझे कौन से बस में चढ़ूँ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे एक लड़की दिखी जो मेरी बस से मैं चढ़ी थी, तो मैंने उसको पूछ लिया था, उसने मुझे बताया कि हमेशा जब भी आप बस में ट्रैवल करते हो कहीं जाते हो और उतरते हो तो सबसे पहले आपको आपकी बस का नंबर याद रहना चाहिए। तो ये भी बात आप हमेशा याद रखना, अपनी बस का ट्रैवल्स का नंबर पहले याद करना ताकि आपको ये इस तरीके का कन्फ्यूज़न ना हो और आप आराम से मतलब कभी भी अपने बस में चढ़ सकते हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उस टाइम की सिचुएशन जिस पे होती है उसको ही पता रहती है, क्योंकि एक जैसी बस रहती है और कौन से बस का कौन मतलब कौन किस में किस बस में है ये कुछ भी समझ में नहीं आता है। लकीली वो लड़की मुझे दिख गई और मुझे पता था कि ये मेरे ही बस में है और उसको भी ये बात पता थी कि चल अपनी बस ये है, तो उसने मुझे ये बहुत अच्छी एडवाइस दी और तब से ये बात मैं हमेशा याद रखती हूँ। जब भी बस में मतलब जब टिकट ही करती हूँ तभी मैं उसका नंबर याद कर लेती हूँ। तो आप भी अगर अभी तक नहीं करते हो तो ये बात ज़रूर याद करना, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कहीं पे भी जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा तो होती है, मेरी भी फ्रूटी पिएगा तो हाँ सुसु नहीं आनी चाहिए, फिर वॉशरूम बोलता है फिर तो लेकिन जब जाने की बारी आती है तो ऐसे गुड़गुड़ होने लगता है पेट में, ऐसे लगता है अपना घर ही ठीक है। और जब उधर से भी मैं आऊँगी उसको नहीं हाथ लगाते, और उधर से भी मैं जब आऊँगी तो भी मेरे पेट में ऐसे ही होगा, ऐसे लगेगा कि रहने दो इधर ही रह जाती हूँ, अभी इतना लंबा ट्रैवल करने की अभी बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहती, अपना घर में रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आसपास घूमो बस, नहीं बहुत लगता है। तो चलिए अभी थोड़ा सा बैठ जाते हैं कहीं, है ना बेटा? तो खाना तो खा रहा नहीं है तो ऐसे ही हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन अभी मैं वीडियो को यही स्टॉप करती हूँ। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, मिलती हूँ आपको कल के वीडियो में, अमरावती वाले वीडियो में, ब्लॉग में। तो वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहिए, तो चलिए फिर बाय बाय एंड टेक केयर।